You need some headphones, bro. अगर आपको जिम जाते समय थकावट महसूस होती है तो आप जिम जाने से पहले कुछ तो खा सकते हो या फिर आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हो। और मैंने प्री वर्कआउट में आज कॉफ़ी पाउडर एक पानी की गिलास के साथ ली थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्कआउट। सो ये थी मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। एज यूजुअल फोर स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड एंड टू ऑमलेट विद सॉस फॉर द टेस्ट। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्री वर्कआउट मील तो हो गई और इसी वीक से मेरा जो जिम का शेड्यूल है ना वो ठीक से चल रहा है। पिछले वीक में मेरा जिम का शेड्यूल ठीक से नहीं चल रहा था। दिन में जिम को छुट्टी दे रहा था, मन नहीं लग रहा था वर्कआउट पे, पर इस वीक से सब कुछ ठीक चल रहा है। वर्कआउट भी अच्छा हो रहा है और स्लीप भी अच्छी हो रही है और मील्स भी अच्छी हो रही है। एक दिन क्या हुआ था ना, मैं जस्ट मुझे चेस्ट ट्रेन करनी थी मंडे को और उसके अगले दिन मैं जिम को मेरी छुट्टी दी थी, तो मैं फुल मोटिवेट हो गया जिम में कि आज मैं चेस्ट ट्रेन करूँगा। मैंने सब मोटिवेशन के वीडियोज़ देख डाले, सब चेस्ट के वीडियोज़ देख डाले कि आज मैं चेस्ट लेने वाला हूँ। तो मैं जिम में गया और वहाँ पर जाते वक्त जिम में पहुँच गया मैं, मुझे दिखा कि जिम में चेस्ट के सारे ही मशीन्स फुल है। मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई वर्कआउट कर रहा था। बाद में मेरा डिसीजन चेंज करके मैंने मेरा दूसरा बॉडी पार्ट ट्रेन किया। अगर आपके साथ भी ऐसा आपके जिम में हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और एक लाइक ज़रूर करना। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।